तो दोस्तों कल की मार्केट का हाल आपने देखा ही है। उसके बाद में कुछ भी मेरे को इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है, ठीक ठाक है, ओके ओके है। थोड़ी थोड़ी ऊपर जाएगी, थोड़ी ऊपर नीचे होकर के जाएगी, तो ठीक है, कोई ऐसे सिंदोज नहीं है जब तक जयराम पॉल जी की कमेंट्री नहीं आती है। तो आज हम ले लेते हैं, बहुत सारी क्वेरीज हो गई है क्योंकि आज हो गया थर्सडे, फिर उसके बाद में संडे तक बहुत सारी हो जाएंगी। और आप लोगों के भरोसे के लिए मैं आभारी हूं और मैं जरूर ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों के भरोसे पर खरा उतरूं। नंबर वन। नंबर दो, अभी इसमें जो है सेंट पॉल दादा क्या बोल रहे हैं, जुगानी टॉक्स पे धनंजय सर छाए हुए हैं लगता है। गुड, चलो सेंट पॉल दादा, आपको भी तो जब भी अगर संदेह आता है तो फिर उसके बाद में उसका निवारण करता हूं ना, जब आप बात मानते हो। इसीलिए तो विजेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं, मेरी क्वेरी लेने के लिए बहुत धन्यवाद सर, आप सदैव बहुत सहजता से उपलब्ध रहते हैं, बहुत आभार आपका। थैंक यू धनंजय, थैंक यू विजेंद्र सर। सूर्य प्रताप सर बोल रहे हैं, शुक्रिया सर, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। सूर्य प्रताप सर, आपको बताना चाहूंगा, देखो आप उसके बाद में कारपोरेट का बांड ले सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा मिलेगा और आपको अपना क्या बोलते हैं थोड़ा सा उसकी वो भी हो रहेगी, क्या रहा, वोलेटिलिटी भी कम रहेगी उसके बाद में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 100% सेफ नहीं रहता कॉर्पोरेट बॉन्ड, हाँ, लेकिन उसकी जो है कैटेगरी होती है A+, A+, उसके बाद में ट्रिपल ए जो रेटिंग की, AB रेटिंग की, तो वो देख लीजिएगा, रेटिंग वगैरह देख करके स्टडी करके तब करिएगा। दूसरा, RBI ने भी कुछ अपने बॉन्ड्स वगैरह जारी किया जो है टाइम टू टाइम अपना करती रहती है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट जिस स्टेट से आप आते हैं, स्टेट भी आपका बॉन्ड जारी करती है, सेंटर भी बॉन्ड जारी करती है, तो वो भी ले सकते हो, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट वो भी है। उसके बाद में और भी ज्यादा अगर आपको पैसन चाहिए, इससे वो नहीं हो रहा है, तो उसके बाद में आप क्रिप्टो वगैरह भी देख सकते हो। बट क्रिप्टो के लिए मैं एडवाइज इसीलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो नॉन रेगुलेटरी है और सरकार का टैक्सेशन उस पर अक्षम्य टैक्सेशन, मतलब आपको क्षमा कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। तो सो भाई मेरी एडवाइज यही रहेगी, लेकिन अगर आपको जो है पैसन है तो फिर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए आपने बोला, तो आई होप कि आपको मिल गया होगा, अगर नहीं संतुष्ट है तो। उसके बाद में गुजरात बंधु सर जो है गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं, धनंजय सर गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं, धनंजय सर जैन सर। उसके बाद में यूजर क्या ही करके हैं ये, श्रीमान जी आपके वचन एकदम सत्य हैं, किसके रिगार्डिंग बोल रहे हैं, इंडियन मार्केट होने के बाद में भी हम लोग गरीब क्यों रह जाते हैं। बिल्कुल सही है, कोई इसमें दो राय ही नहीं है, थोड़ा सा अगर हम अपने दिमाग को खोलेंगे, चचू को खोलेंगे, तभी तो यार मैं आप लोगों की इतनी सारी मतलब जो है बस एजुकेशनल, इसीलिए तो मेरा मकसद है कि ताकि आप लोग, और मैं सबकी बातों को इसीलिए इतने लोगों की बातों को रखता हूं कि ताकि आप लोग उन बातों से थोड़ा बहुत अगर सीख सके तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। बाकी है क्या यार, मैं थोड़ा सा अगर मान लिया एक लाइन में बोलना चाहूं तो जो है शरीर हमारे माता पिता ने दिया है, आत्मा हमें ईश्वर ने दिया है, अब इस उम्र में अगर जाकर के हमारे भाव अगर ऐसे जागे हैं कि हाँ यार मैं किसी की मदद कर सकता हूं, तो डेफिनेट है यार आई एम डूइंग सो, ठीक है। ये कौन है भाई, अक्षय कुमार सिंह जी हैं क्या, योगी जी सांड पालते हैं, जो पालते हैं वो छोड़ते क्यों हैं। गुरु जी आजकल जो मैन पावर की आपको पता है कितनी किल्लत हो गई है, उसके बाद में रासायनिक खाना खा करके किसी में भी, अब वो जमाना नहीं रहा कि आप चार बोझ घास काट लाओगे, चरी काट लाओगे, कर लोगे, अब सभी आदमी सुखवार होते जा रहे हैं, मैं देसी भाषा में बोलूं तो। अब सांड तो लोग छोड़ ही देते हैं, उनको कंट्रोलिंग के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, गवर्नमेंट को उपाय करना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है, सांड छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए तो होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो उनसे अब जुताई वगैरह तो कोई काम ले नहीं रहा है, तो अब वो खुला ही घूमते हैं। पहले होता था लोग उससे जुताई बुआई करते थे तो अपने अपने घरों में अपने जो है उनको अपना बांध करके रखते थे। चलिए ठीक है, ये हो जाएगा पॉलिटिकल जो है हो जाएगा, अपना जो है भाई अपना डिस्कशन हो जाएगा, मेरा इरादा कोई भी ऐसा मतलब जो है वो नहीं था, मैं भी बस्ती का हूँ, योगी जी अपना गोरखपुर के हैं, बस्ती और गोरखपुर को तो छोड़िए, कम से कम चलिए ठीक है, उनकी एक आइडियोलॉजी है और मैं भी उनके मठ पर बहुत बार अपना खिचड़ी उचड़ी जो है चढ़ाने गया हूँ, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद में रविंदर सर बोल रहे हैं वेरी इंफॉर्मेटिव, एंड SIP से पैसा क्यों निकाल रहे हैं चाचा जी, SIP क्या है डिटेल से बताओ, ये कौन है, सबका बाप को 9, यार अपना नाम भाई जो है लिख दिया करो, ठीक है ना, अब आप लोग जो है चैनल का नाम ही ऐसे रखते हो तो इसकी भी रिप्लाई हम क्या दें, लेकिन चलिए ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल से पूछना चाहते हो तो अलग से वो कर देंगे, वीडियो हम बना देंगे, क्योंकि इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी मतलब मेरे ख्याल से डाली हुई होगी, तो अगर आप उसको आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो उसके बाद में आप उसमें डाल दीजिएगा,
ठीक है ना, एक ऑप्शन है मेरे चैनल में जो कि मतलब जो है वो हो जाता है अपना जो पर्सनल वाला हो जाता है, तो उसको जो है डाल दीजिएगा, उस पर मैं आपको बना करके बता दूंगा, ठीक है ना। मेंबरशिप जिसको बोलते हैं। गुजरात बंधु सर हार्डली लाइक किए हैं सर, थैंक यू आज के निवेश की रणनीति। फिर धनंजय सिंह ने कुछ बात बोली थी, धनंजय सर ने इसकी दो रिप्लाई भी आई हुई है, रिगार्डिंग क्या है। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में सीधे चलते हैं। सौरव मुखर्जी दादा बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, फाइनेंशियल एजुकेशन इज द की ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। यस सर बिल्कुल। उसके बाद में फिर धनंजय सर फिर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उसके बाद में शिव भक्तम सर हैं, ग्रेट इन्होंने बोला है ग्लोबल जो है रिसेशन का, शिव भक्तम सर फिर बोल रहे हैं ग्रेट गुरु। उसके बाद में यूजर के आई 9 है, ये बोल रहे हैं कि प्रणाम भैया जी, भैया जी प्रणाम, एंड भैया गेल इंडिया के लिमिटेड के बारे में आप अपना विचार व्यक्त करने को। देखो भैया गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड आपको पता ही है, ये एक जो है सरकारी कंपनी है और सरकार का फोकस एनर्जी सेक्टर पर तो इस बार है ही है, लेकिन मैं पर्टिकुलर किसी भी शेयर के लिए किसी इंडिविजुअल को सलाह नहीं देना चाहता हूँ। अगर आप जाना चाहते हो तो इसमें आपको अपना डिविडेंड वगैरह मिलेगा, बाकी मैं इसका डिटेल रिव्यू नहीं किया है। जब पढ़ रहा था तो इसके बारे में गेल के बारे में मेरे को उस समय थोड़ा बहुत पता था, तो सो भाई मैं इतने पर ही इसको रोक दे रहा हूं। एंड एक्चुअली 5 दिन के बाद में 2 दिन जो मार्केट में रम जाता है उसको थोड़ा सा अपना बोरिंग तो लगने लगता है, जो ऐसे ही बोल रहे हैं धनंजय सर। उसके बाद में ये फिर बोल रहे हैं, अभी मैंने जिनको बताया था कि कम से कम अपना नाम लिखो इसमें, चाचा जी आप बताओ कि पहले म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड होता क्या है। सर देखिए इसमें गूगल से पूछो सब बता देगा, रिलीजन आप पी सर बोल रहे हैं। फिर भी म्यूचुअल फंड और एसआईपी पर आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप वो करिए, अभी फॉलो करिए, क्योंकि मेरे ख्याल से इस पर मैंने वीडियोस को डाला होगा, बहुत लंबा सब्जेक्ट है ये, जल्दी खत्म होने का नाम नहीं लेता, तो मैं चाहता हूँ कि ठीक है सर क्या ग्रो ऐप में फंड के लिए अच्छा और सेफ है। देखो भाई आपका क्या हो गया, फोलियो बन गया है, ग्रो ऐप एक माध्यम है जो कि आपको एक क्या दे रहा है, प्लेटफॉर्म है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए एक जो प्लेटफॉर्म दे रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अगर जब तक आप उनसे संतुष्ट हैं, उनकी सर्विस से संतुष्ट हैं, तब तक ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट एमसी में सीधे इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई अभी तक तो ऐसा हार्म नहीं हुआ है, ठीक है, ग्रो वालों का कहीं बीच बीच में छोटा मोटा तो नाम आ ही जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में रंजीत सेनापति जी क्या बोल रहे हैं, जुगानी भाई वर राइट पीपुल विल सी देयर पोर्टफोलियो डेली हरास्ट विल मार्केट कम लाइक टू रैकेट इतना नेचुरल ऑफ द मार्केट में रेगुलरली अप टू योर गोल गिवन गेंस अनलेस टू सी योर कंटिन्यू एसआईपी लमसम एज इतना इतना। देखो एक्चुअली क्या है, उसमें बुराई नहीं, अगर आप मंथली देख रहे हो 15 दिन में देख रहे हो तो बुराई नहीं, लेकिन अब डेली अगर एनएवी कोई देख रहे हो तो आपको भी थोड़ा सा इरिटेशन होने लगेगा। जब मार्केट क्या है जो है कंसोलिडेशन मोड में रहती है, तो कभी महीना दो महीना चार महीने छह महीने तक कंसोलिडेशन मोड में चली जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में कुलदीपक साहब बोल रहे हैं, रिस्पेक्टेड सर आई स्टार्ट एसआईपी एचडीएफसी निफ्टी 50 मिड कैप ओके एंड निफ्टी 250 स्मॉल कैप, ठीक है सर, दिस इज राइट इन्वेस्टमेंट, प्लीज रिप्लाई आई एम बेटिंग योर एंसर, थैंक्स सर। सर बिल्कुल आपने अपना अगर एज इसमें लिख दिया होता और उसके बाद में अपना गोल लिख दिया होता तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं थी, लेकिन आपने थोड़ा सा एज अपना नहीं लिखा, सो भाई मेरे को बिल्कुल प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा ये है, लेकिन आपकी चॉइस द बेस्ट है, ठीक है ना। निफ्टी 150 मिड कैप में आप बिल्कुल सही जा रहे हैं और निफ्टी 250 स्मॉल कैप में बिल्कुल सही है, कोई इसमें दो राय नहीं है। एंड शिवभक्तम सर वेरी नाइस गुरु जी बोल रहे हैं, ठीक है। एंड धनंजय सर नमस्कार, वी आर ओनली इन्वेस्टर, नॉलेज अबाउट ट्रेडिंग, ठीक है, जो इन्वेस्टर तो हम भी हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। आपको आपकी हर सलाह ज्ञानवर्धक होती है, डू नॉट हैव एनी एडवाइजर, ओनली योर वीडियोस एडवाइस फॉर मी। सर थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप कि मैं भी आप लोगों को टाइम ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करता हूँ। अभी इन्वेस्टमेंट की रणनीति में यही है कि आपको अपना एसआईपी को थ्रू चलने दीजिए, अभी इनकी कमेंट्री का इंतजार करिए, जयराम पॉल जी की, अमेरिका किधर जा रहा है उधर की तरफ हम देखते हैं, क्योंकि आपने देख ही लिया होगा इतने दिनों में कि अमेरिका का, जब अमेरिका में हलचल मचती है तो सारी मार्केट्स में मस्ती मस्ती है। अगर अमेरिका की ये कहीं ना कहीं उनका आ गया कि उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो गई
और उसके बाद उन्होंने रेट करके इशारा भी दे दिया ना, तो एक बार मार्केट फिर अप जाएगी और उसके बाद में आप लोग अच्छी खासी गिनरी देखोगे। बाकी सिनरियोज ठीक ठाक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डोमेस्टिक सिनरियो भी ठीक है, इंटरनेशनल सिनरियोज भी ठीक है, और इतनी बड़ी हमारी कंज्यूमर मार्केट है तो हमारा अपने अपने घर में बहुत ज्यादा कंज्यूमशन है। तो आई होप की बातें आपको समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई है तो रिवार्ड जरूर करना यार, क्योंकि देखो मैं इतने सारे लोगों को किसी को भी नहीं छोड़ता हूं जिसका जो भी संशय है। अगर मान लिया आपको संशय में ये होता है कि यस मेरे को मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया हूं या मेरे को डिटेल से वीडियो चाहिएगा, तो आप तुरंत जो है मेंबरशिप आपका फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं है, कोई भी ये नहीं है, तो आपके लिए पर्टिकुलरली, लेकिन आपके लिए पर्टिकुलरली एक वीडियो बना दिया जाएगा आपको एड्रेस करके, लेकिन उसमें आप अपना एज और गोल पक्का मेंशन करेंगे। ऐसे भी जो आप लोग जो है कमेंट करते हो मैं उसकी रिप्लाई 100% देता हूँ और संतुष्ट करने की कोशिश करता हूँ, और हमारे व्यूअर्स भी कई लोगों को कितनी सारी दे देते हैं रिप्लाई, दे देते हैं सब्सक्राइबर्स भी दे देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उसको, ठीक है ना। तो आई होप कि मतलब जो है आप लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। बस थोड़ा सा खाली लगे रहिए, जिस जज्बे के साथ आप आए थे वो जज्बा कायम रहना चाहिए। मेन बात आने का ये है, वो जज्बा आपका कायम होना चाहिए। अगर वो जज्बा कायम रहेगा तो डेफिनेट है कि हम अपने गोल को लेकर के जाएंगे। कभी आप देखिए मैं अपने पथ से विचलित होता हूँ, अगर मान लिया मैं एक आध दिन वीडियो नहीं डाल पाता हूँ तो पक्का आपसे सॉरी बोलता हूँ, ठीक है ना। तो आज मैंने रात में भी डाल दिया था वीडियो, आपको मिल गया होगा, अभी ये भी मिल जाएगा 11-12 बजे तक, ठीक है ना। तो अगर जानकारी अच्छी लगती है, मेहनत अप्रिसिएट के काबिल लगती है, तो यार अप्रिसिएट जरूर किया करो। अप्रिसिएशन आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।